सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में कि आर्टिकल 13 क्या है और जो इसके कारण यूट्यूब पर से कौन कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जिन्हें कि यूट्यूब पर से हटाया जा रहा है और जो है कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जिन्हें कि यहाँ पे इसके कारण बंद किया जा सकता है। तो अगर इसके बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 13 क्या है और इसके अंतर्गत कौन से कॉपीराइट सुहूल आते हैं। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 13 है ये यूरोप में लागू किया गया है और इसके कारण जो है वहाँ के कई वीडियोस को यूट्यूब पर से हटाए जा चुके हैं और कई चैनल को भी बंद किया जा चुका है। एक ऐसा रूल है जो कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लागू होता है और इसमें कहा गया है कि अगर आप अपने वीडियोस में या थंबनेल में भी कहीं भी कॉपीराइट इमेजेस का या फिर कोई भी कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं तो आपके उस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है या फिर आपके चैनल को भी बंद किया जा सकता है। कई बार आप जो है YouTube पर थंबनेल बनाने के लिए Google पर से कोई भी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपने थंबनेल में लगा देते हैं तो ऐसा करने पर जो आपके उस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है इसमें अगर आप कोई भी एक सेकेंड के लिए भी कॉपीराइट का इमेजेस यूज करते हैं तो आपके उस वीडियो को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो है अभी भारत में लागू नहीं हुआ है, इसका नया अपडेट जो है 15 दिसंबर को आएगा जिसमें कि आप क्लियर हो जाएंगे कि ये भारत में लागू होगा या नहीं। लेकिन अभी जो है ये फिलहाल यूरोप में लागू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया में लागू हो। लेकिन ऐसा होता है तो जो है कई वीडियोस को यूट्यूब पर से डिलीट किए जा सकते हैं और यूट्यूब जो है सभी वीडियोस को एक एक करके ये चेक नहीं कर सकती है कि उसमें कॉपीराइट इमेजेस यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपके यूट्यूब पर कुछ वीडियोस में भी अगर कॉपीराइट इमेजेस मिलते हैं तो हो सकता है कि यूट्यूब आपके चैनल को ही यहाँ पे बंद कर दे। तो दोस्तों, यही था आर्टिकल 13 के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।